हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी बैंक से कोई मैसेज आया है या कहीं से भी कोई मैसेज आया है और वहाँ पे लिखा है योर अकाउंट, आपका अकाउंट नंबर होगा, थोड़ा सा लिखा है क्रेडिटेड अमाउंट लिखा है, 3,000 रुपये लिखा है, आपका ज़्यादा लिखा होगा, कम लिखा होगा। तो यहाँ पर क्रेडिट या क्रेडिटेड का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूँ, मैं आपको एक वार्निंग देता हूँ कि ऐसे कई सारे फेक मैसेज भी आते हैं, लिखा होता है योर अकाउंट कैन बी क्रेडिट कुछ 1,000 रुपये, कुछ 1,00,000 रुपये, और नीचे लिंक होता है, कभी भी आपको उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। ये हमको मैसेज बैंक की तरफ से आता है तो सिर्फ ये हमको बताता है कि आपका मैसेज आया है, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं गए हैं, वो आपको बताता है, आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है। बारी आती है क्रेडिट है क्या। देखिए, क्रेडिट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में, यानी उस अकाउंट में पैसे डाल दिए गए हैं। अब कोई क्या बताए क्या नहीं बताए मुझे नहीं पता, पर जो इसका मतलब होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है योर अकाउंट, मेरा अकाउंट नंबर है, इज क्रेडिटेड बाय 3,000 रुपये, तो मेरे 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए हैं इस मोबाइल नंबर के जरिए, यहाँ पर IMPS किसी ने करा है, मेरे अकाउंट में 3,000 रुपये आ चुके हैं। जब आपके अकाउंट में कोई पैसा आएगा तो यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे क्रेडिट टिड है यानी ED लगा हुआ है, यानी ये काम हो चुका है, पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे ED लगा हुआ है। अगर आपके अकाउंट से कोई पैसा कटेगा यानी निकलेगा तो वहाँ पे डेबिट लिखा हुआ दिखाई देगा, डेबिटेड लिखा हुआ दिखाई देगा। क्रेडिट का मतलब होता है पैसे आना, और डेबिट का मतलब होता है पैसे जाना। इस चीज़ को सिर्फ यहीं तक सीमित रखिएगा, अगर आप इस वर्ड को कहीं और इस्तेमाल करते हो तो उसका जो यूज़ है वो चेंज हो जाता है। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।